हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शरद, एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स देखिए, मैं अगर टेरेस का ऊपर हूं। ये जो टेरेस में जो पारापेटी वॉल है, इसका जो डिजाइन बना हुआ है, ये नीचे फ्लैट में देखिए किस तरह का लीकेज हो रहा है। कंटिन्यू जब भी बारिश होता है, इस तरह का पानी जो है नीचे गिर के फ्लोर में ऐसे फैलता है। फ्रेंड्स, इसका टेरेस में इस तरह क्या लीकेज है, किस तरह का लीकेज है, उसको कैसे रेडी करना चाहिए और कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, इसी ब्लॉग में मैं आगे आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर दीजिए, ताकि इस तरह का प्लम्बिंग कंटेंट जब भी मैं अपलोड करूँ पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, ब्लॉग शुरू करते। ये टेरेस का है और ये टेरेस में देखिए ये जो डिजाइन बना हुआ है, इसी डिजाइन में जो है इस तरह का पानी भरा हुआ है। जब हम इधर तोड़ दिए, तोड़ने के बाद देखिए अभी मैंने टुल्लू पंप लगाया हूँ, पानी फेंक रहा है कितना पानी। फ्रेंड्स, इसका अंदर बिल्कुल स्विमिंग पूल की तरह पानी भरा हुआ है। देखिए ये कितना पानी भरा हुआ है, अंदर जितना एरिया है पूरा भरा हुआ है। देखिए ये पहले पानी खाली होने के बाद ये कहाँ से पानी आया, किस तरह से भर रहा है, पाइपलाइन डैमेज है कि नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स इसका दो तरफ दो बालकनी टाइप है। अभी देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये तो डिजाइन है लेकिन देखिए यहाँ भी पानी जमा हुआ है। ये अभी देखो मोटर चालू हुआ तो ये पानी थोड़ा कम हो रहा है, यहाँ भी जमा हुआ है और वो एरिया जो है डाउन एरिया है, उसका अंदर फुल भरा हुआ है। इस तरह का टेरेस में जहाँ भी इस तरह का डिजाइन बना हुआ है, अगर वो बंद है तो देखिए मैं अभी इसको तोड़ के अंदर जाना पड़ा, जिसके वजह से उसका अंदर देखना है कहाँ से लीकेज हो रहा है, पाइपलाइन डैमेज है कि कहाँ से है, या तो ये दो तरफ उस तरफ भी पानी ब्लॉक है, इस तरफ भी एक बालकनी है, ये दोनों का पानी जो है अंदर ही जा रहा है। अगर पाइपलाइन का डैमेज होगा तो ये सभी इसका अंदर भर रहा है, क्योंकि ये सबसे डाउन है, तो इसलिए अभी हम उसको पानी खाली होने के बाद आगे मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या कैसा है, उसको रिपेयर करना है, क्या डैमेज हुआ है, किस तरह का प्रॉब्लम है। देखिए फ्रेंड्स, इसका अंदर जो है इतना सारा कचरा जो है निकला है, ये सभी पीजन का क्या कर्म है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो होल है, इसी होल में जो बैक साइड में जो होल है, इसी होल में पीजन अंदर आके सभी स्टोरेज किया है और पानी जहाँ से नीचे उतरना चाहिए वो होल बंद हो चुका, जिसके वजह से यह इस तरह का स्विमिंग पूल अंदर बना था। फ्रेंड्स, और दूसरा चीज़, पानी कहाँ से आता था मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ भी एक टी दिया गया है सेम, जब भी उस साइड से पानी आता है तो यहाँ से उतरता है नीचे को। अगर हम ये डोर टी को तोड़ दिया या तो खोल दिया तो पानी जो भी आएगा ये एरिया में भरेगा। इसी तरह इसीलिए जो ये एरिया है वो टी टूटने के बाद है, यहाँ जो पाइपलाइन दिया गया 2.5 इंच का, इसमें क्या होता है पानी वहाँ से आने के बाद फिर ये नीचे उतरता है। फ्रेंड्स देखिए, ये जो पहले कहीं पानी नहीं गया होगा, जिसके वजह से कहीं तो ब्लॉक होगा और उसको कोई रॉड लेके इस तरह का मार दिया। कभी भी फ्रेंड्स इस तरह का पानी नहीं गया तो इसे इस तरह रॉड लेके मारे तो सीधा जो है, देखो उसका जो डोर है वो टूट चुका है, ये जो डोर है। तो अभी क्या करना है हमारे को, इस टी को चेंज करना है। टी को चेंज करने के बाद अभी ऑलरेडी ब्लॉकेज क्लीन है, क्योंकि हम पानी डाल के देख लिए, अभी इसको ये टी को निकाल के हमको चेंज करना पड़ेगा। इसी तरह कहीं डैमेज होता है तो किसी तरह टी को चेंज किया जाता है, ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या तो एंड स्क्रीन में दे दूंगा, आप उसमें देख सकते हो। चलिए पहले हमको ये जो टी है उसको चेंज कर लेते हैं। इसका अंदर जो है वाटर प्रूफ ऑलरेडी हो चुका है, ये वाटर प्रूफ बिल्कुल हो चुका है। अब हमको क्या करना है, इसका ऊपर एक डैम प्रूफ, ये जो है ये डैम प्रूफ है और इसको एक कोटिंग में हमको अंदर मारना पड़ेगा। मारने के बाद ये होल को हम पैक कर देंगे। फ्रेंड्स, जब भी वाटर प्रूफ होता है उसका ऊपर एक डैम प्रूफ मार देना, ताकि जो भी थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा वो भी पैक हो जाएगा अच्छा से। देखिए फ्रेंड्स, ये जो एरिया है, ये एरिया का जो पानी इसमें जा रहा था, ये जो यहाँ आउटलेट है सीधा जाके उसमें भर रहा था, क्योंकि ये ब्लॉक होने की वजह से कोई रॉड लेके यहाँ पे मार दिया तो पानी इसका अंदर भर रहा था। फ्रेंड्स, इस तरह का जब भी प्रॉब्लम होता है तो उस क्लीनिंग करने के लिए कोशिश करना, लेकिन रॉड एड़ी में नहीं मारना है। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक तो फ्रेंड्स जरूर करना। आज के लिए इतना ही है।